स्टडी सर्किल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। धाल विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था? चार ऑप्शन दिया गया है, सही आंसर को बताना है। तो चलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक। चलिए धाल विद्रोह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जान लेते हैं। पहला, जगन्नाथ धाल के द्वारा धाल विद्रोह का नेतृत्व हुआ था। दूसरा है, धाल विद्रोह 10 वर्षों तक चला था। तीसरा है, धाल विद्रोह 1767 से लेकर 1777 तक चला था। दूसरा क्वेश्चन, बिरसा मुंडा को सर्वप्रथम गिरफ्तार करने वाला पुलिस अधिकारी कौन था? चार ऑप्शन दिया गया है, तो सही आंसर को बताइए। चलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीन। चलिए इससे संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जान लेते हैं। पहला है, बिरसा मुंडा के गुरु का नाम आनंद पांडे था। दूसरा है, बिरसा मुंडा के सेनापति का नाम गया मुंडा था। तीसरा, मुंडा विद्रोह का प्रारंभ 1895 में हुआ था। चौथा है, मुंडा विद्रोह का प्रारंभिक स्वरूप सुधारवादी था। पांच, काटोंग बाबा काटोंग मुंडा विद्रोह का गीत था। तीसरा क्वेश्चन, टाना भगत आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? चार ऑप्शन दिया गया है, सही आंसर को टिक लगाना है। तो चलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दो, यानी चतरा भगत। चलिए इससे संबंधित जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसको लेते हैं। तो पहला है, टाना भगत आंदोलन धार्मिक एवं राजनीतिक आंदोलन था। दूसरा, टाना भगत आंदोलन गुमला रांची लोहरदगा क्षेत्र में सर्वाधिक प्रचार प्रसार था। तीसरा, देव मनिया नामक महिला टाना भगत आंदोलन से जुड़ी हुई थी। चौथा है, जतरा भगत का जन्म 1888 में हुआ था। पांचवा, जतरा भगत का जन्म उराव परिवार में हुआ था। छठा, जतरा भगत की मृत्यु 1917 ईस्वी में हुआ। चौथा क्वेश्चन, झारखंड की कौन सी नदी दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है? चार ऑप्शन दिया गया है, सही आंसर को टिक लगाना है। तो चलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दो, यानी स्वर्णरेखा। पांच नंबर क्वेश्चन, औरंगा नदी किस जिले से निकलती है? चार ऑप्शन दिया गया है, सही आंसर को टिक लगाना है। तो चलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चार, यानी रांची। चलिए इससे बनने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। पहला, अमानत नदी हजारीबाग से निकलती है। दूसरा है, दक्षिणी कोयल और स्वर्णरेखा नदी नगरी रांची से निकलती है। दामोदर नदी चूल्हापानी लतेहार से निकलती है। छः नंबर क्वेश्चन, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? चार ऑप्शन दिया गया है, सही आंसर को टिक लगाना है। तो चलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, यानी बूढ़ा घाघ। सात नंबर क्वेश्चन, बेतला नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? चार ऑप्शन दिया गया है, तो सही आंसर को टिक लगाना है। तो चलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, यानी लतेहार। आठ नंबर क्वेश्चन, झारखंड में यूरेनियम अयस्क का भंडार कहाँ पाया जाता है? चार ऑप्शन दिया गया है, तो सही आंसर को बताना है। तो चलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दो, यानी जादूगोड़ा। नौ नंबर क्वेश्चन,
डोलोमाइट का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है? चार ऑप्शन दिया गया है, सही आंसर को टिक लगाना है। तो चलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी पलामू। 10 नंबर यानी आज का अंतिम क्वेश्चन, बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस वर्ष हुई? चार ऑप्शन दिया गया है तो सही आंसर को बताना है। तो चलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 1964।